गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कल 9.2 समझा रहा था उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आपको बताया था मीटर को एम, डेकामीटर को डीएम और सेंटीमीटर को सीएम कहते हैं, ठीक है। अब इनके हम मेजरमेंट्स देखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर एंड 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इन मेजर्स को याद रखना है और इन मेजर्स के अकॉर्डिंगली ही इनको सॉल्व करना है। जैसे आप पेज नंबर 85 निकालो और उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 6 मीटर और 7 डेसीमीटर, ठीक है। अब इस 6 मीटर और 7 डेसीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन आएगा आपको किसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 6 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में, जैसे मैंने बताया था, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने मीटर हैं, 6 मीटर हैं। तो 10 × 6 कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास 7 डेसीमीटर है, तो 60 + 7 कितना हो जाएगा, 67 डेसीमीटर। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 9.1 का, उसमें हमें मीटर में दे रखा है और उसे हमें डेसीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो अब मीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10, तो कितना हो जाएगा, 9 का 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 9 या कितने होते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है 9 मीटर इक्वल टू डेसीमीटर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1 मीटर में 10 होते हैं, तो 1 मीटर में 10 है तो 9 में कितने हो जाएंगे, 9 × 10 = 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अब इसी फॉर्म के बेस पर हम 9.2 में चलते हैं। 9.1 तो आपको कंप्लीट कराई थी, अब 9.2 में चलते हैं। मैंने रिमाइंडर कराने के लिए आपको ये सॉल्व कराया था जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मीटर और सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो 100, ठीक है। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 × 100 = 700, ठीक है। इस तरीके से आपको 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट का ए हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो। 2 के ए के में क्या है, हमें दे रखा है 7 मीटर और 65 सेंटीमीटर। तो हम इसको अब कैसे करेंगे, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें टोटल सेंटीमीटर्स ही निकालने हैं इसमें। उसने हमसे क्या निकलवाया है, मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस करने के बाद सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले ब्लॉक में लिखेंगे 7 × 100, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास क्या दे रखा है, 65, तो क्या हो जाएगा, 700 + 65 = 765। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 9.2 को फिल करना है। पॉज करना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है, 76 डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर प्लस डेसीमीटर इक्वल टू मीटर और डेसीमीटर। तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड लाइन को देखो, 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 70 + 6, ठीक है। 70 क्यों आ गया, क्योंकि 1 में 10 होते हैं, तो जब हम 10 को 76 से डिवाइड की फॉर्म में देखेंगे तो 10 × 7 = 70 हो जाएंगे और 6 बच जाएगा। तो 70 + 6 76 हो गए, तो मीटर कितना आ गया, 7 मीटर और 6 डेसीमीटर। इसमें किसी को डाउट है, डाउट है क्या किसी को, सपोज करना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 850 सेंटीमीटर इक्वल टू
सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर और फिर मीटर और सेंटीमीटर। तो हमें पता है जैसे कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 800 दे रखी है ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 800 और ये कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 50। अब ये 8 और 50 कैसे आया, जिस तरीके से पहले हमने डिवाइड किया था वैसे ही अब 850 में 100 का डिवाइड देंगे, तो ये 8 टाइम जाएगा तो 800 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा मीटर और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आज आपको एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन 1-4 नोटबुक में नहीं करने हैं, बुक में ही फिल करके मेरे को सबमिट करने हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपके वर्क नहीं रहेगा, आपको उनके क्वेश्चन लिखने पड़े हैं, तो इनको आपको नोटबुक में ना करके केवल बुक में ही फिल करके मेरे को सबमिट करना है, ठीक है। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें कहीं भी।